आज हम अपने फ़ोटो को सिर्फ़ और सिर्फ Lightroom यूज़ करके एडिट करेंगे, और ये Lightroom आप मोबाइल फ़ोन में, एंड्रॉयड में या iOS में डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी और ऐप का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, और हम लोग अनपेड वर्ज़न का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपना गैलरी खोल लिया है, और इस गैलरी में मैंने एक ये फ़ोटो सेलेक्ट किया। ये एक पेड़ है, ये पेड़ कुछ अलग है, कुछ सोया टाइप का पेड़ है, ये गिरा हुआ पेड़ है, वहाँ से फिर उठ गया है। तो इस पेड़ को हम चुने हैं आज, और इस पेड़ को शेयर करेंगे Lightroom में। तो ये इंपोर्ट हो चुका है Lightroom में, और हम आ चुके हैं अपने Lightroom में। यहाँ हम देखेंगे ऑटो पे क्लिक करके, बट कोई ख़ास चेंज नहीं हुआ क्योंकि ये हाई क्वालिटी इमेज है। तो ऑटो हल्का सा चेंज कर दिया, हम इसे फिर से अंडू कर लेंगे, और इसके बाद हम देखेंगे अगले कुछ ऑप्शंस है, जैसे कि लाइट। लाइट में एडिटिंग होता है, उससे पहले हम लोग कुछ कलर चेंजिंग कर लेंगे। कलर में गए हम लोग, यहाँ आप इसमें ना जा करके जाए मिक्सिंग में, और मिक्सिंग में पहले ग्रीन ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पेड़ पौधे ग्रीन हैं। ह्यू बेसिकली तीन प्राइमरी कलर्स के बने हुए होते हैं, रेड, ब्लू एंड येलो, और तीन सेकेंडरी कलर्स जैसे ऑरेंज, ग्रीन और वॉयलेट। जब आप ह्यू की बात करते हैं तो इसका मतलब आप उस विजिबल स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं जो पूरे कलर है, जैसे रेनबो। जब ये सैचुरेशन और वाइब्रेंस के साथ मिलता है तो गजब का रिजल्ट मिलता है। सैचुरेशन आपके कलर का सैचुरेशन बढ़ा दिया जाता है, सैचुरेट कर देता है सैचुरेशन, और ल्यूमिनेंस उसको एडजस्ट करने के लिए कि वो उसका लाइट कितना आएगा, वो कितना ज़्यादा दिखेगा। तो हम लोग सैचुरेशन हल्का बढ़ा देंगे क्योंकि ग्रीन है, और ग्रीन को हम लोगों ने सेलेक्ट किया है पहले ग्रीन कलर को ऊपर दिए हुए गोला में। फिर हम ब्लू में गए क्योंकि ग्रीन में ब्लू भी मिक्स रहता है, अगर आपको कलर्स की नॉलेज है तो ग्रीन में ब्लू भी मिक्स रहता है। अब हम इसका भी सैचुरेशन बढ़ा दिए, ल्यूमिनेंस घटा दिए, और ह्यू को भी घटा दिए। ह्यू आप एडजस्ट कर सकते हैं, आप देखेंगे उसमें कौन कौन से कलर मिक्स्ड है। हम लोग रेड पे गए क्योंकि यहाँ जो पेड़ है वो और पत्ते ये सब कुछ रेड कलर में है। फिर हम लोग ऑरेंज पे भी गए, यहाँ आप देख सकते हैं ऑरेंज को हम लोगों ने बढ़ा दिया सैचुरेशन, और ल्यूमिनेंस को भी बढ़ा दिया क्योंकि लाइट आएगा, ऑरेंज बहुत कम है तो उसको दिखाने के लिए। फिर हम लोग इसके बाद येलो पे भी जाएंगे, और येलो पे भी हम लोग ह्यू को एकदम येलो पे ले जाएंगे, और ल्यूमिनेंस सैचुरेशन और ल्यूमिनेंस बढ़ा के देखेंगे। आप अलग अलग फ़ोटो पे अलग अलग कलर होते हैं, उस हिसाब से आप बढ़ा कर देख सकते हैं आपके फ़ोटो पे कौन सा सूट कर रहा है, उस हिसाब से जो बेहतर लगे उस सेटिंग्स पे आप रख सकते हैं। अक्सर सैचुरेशन बढ़ा के और ल्यूमिनेंस घटाया जाता है, सैचुरेशन और ल्यूमिनेंस ये एक दूसरे के ऑपोजिट अक्सर चलते हैं, बट मोस्ट ऑफ़ द केस जब कलर कम हो और किसी कलर को आप ज़्यादा दिखाना चाहते हैं फ़ोटो में तो आप सैचुरेशन बढ़ा सकते हैं, साथ साथ ल्यूमिनेंस भी बढ़ा सकते हैं। और आपको एक मिडिल का पाथ चुनना है तो फिर आप बस सैचुरेशन बढ़ाइए, ल्यूमिनेंस घटा दीजिए, ताकि ज़्यादा ओवर एडिटेड ना लगे। हम लोगों ने ब्लू को भी चेंज किया। अब यहाँ ब्लू, डार्क ब्लू बहुत कम काम करेंगे, वो जो ग्रीन में जो ब्लू छुपे हुए हैं वो काम करेंगे, बाद बाकी नहीं। अब हम लोग देख ले रहे हैं जो यहाँ मेन है कलर पे, टेम्परेचर, टिंट, वाइब्रेंस, ये सब आप ज़्यादा छेड़छाड़ ना करें वही सही है, इसको आप छोड़ दें ऐसे ही। अगर ज़रूरत हो आप ज़्यादा वार्म टोन लाना चाहते हैं तो यूज़ करें। अब हम जाएंगे लाइट में, यहाँ हम लोग एक्सपोज़र को थोड़ा कम कर देंगे ताकि थोड़ा सिनेमेटिक इफेक्ट आ जाए। कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा बढ़ा दिया है हमने ताकि ब्लैक एंड वाइट में डिफरेंस पता चले। हाइलाइट्स थोड़े बढ़ा दिए ताकि पत्तों पे जो वाइट कलर है वो दिखे, और ज़्यादा हो जाए इसलिए हम लोग थोड़ा शैडो को घटा देंगे। वाइट्स वाइट्स का बढ़ाता है, ब्लैक्स ब्लैक्स जो शैडो है उनको दिखाता है, वो सब नॉर्मल छोड़ देंगे हम। अब इसके बाद कलर में दोबारा आके देखें क्या हमने जो लाइट सेटिंग किया है वो कुछ अफेक्ट किया क्या। यहाँ हम लोग डायरेक्ट भी इसको बढ़ा सकते हैं इमेज पे क्लिक करके, तो ये एरो वाला बटन दबा के, तो आप वैसे ना करें ऐसे ही करें, आपको दिखेंगे लाइट भी। तो हमने ये सब चेंज कर दिया, ह्यू को दोबारा कुछ देख लेंगे। हाँ, सैचुरेशन बढ़ा दिया जाएगा, तो मैंने थोड़ा सा बढ़ा देते हैं बस, ये ज़्यादा ग्रीन हो जाएगा तो इसको इसी पे छोड़ देते हैं। अब हम लोग फ़ोटो कुछ हद तक बना चुके हैं, अब देख लेंगे इस सब को। अब हम लोग इसके डिटेलिंग थोड़ा कर देते हैं क्योंकि शार्पनिंग को बढ़ा देते हैं।
और भी चीज़ आप देख लीजिए, शार्पिंग रेडियस डिटेल्स बढ़ा दीजिए, नॉइज़ घटा दीजिए। आप इस फोटो को कहाँ यूज़ कर रहे हैं, अगर इंस्टा पे यूज़ कर रहे हैं तो शार्प कर दीजिए, थोड़ा अच्छा लगेगा। कलर नॉइज़ रिडक्शन थोड़ा बढ़ा दीजिए, हम लोगों ने जो मिस्टेक किया है वो इससे करेक्ट हो जाएगा। और इसमें एक वाइनेट भी है, विनेट भी बोला जाता है, शायद मैं सही प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ, पार्डन मी फॉर दैट। अब विनेट को अगर राइट साइड ले जाएंगे तो वाइट कलर का कवर टाइप का आएगा साइड से, और इसको लेफ्ट ले जाएंगे तो ब्लैक आएगा। ब्लैक यूज़ करें, मैं रिकमेंड करूँगा, ये अच्छा लगता है। और थोड़ा सा बढ़ा दिया मैंने, हाँ। और विनेट को बढ़ाने के बाद आप मिड पॉइंट और फेदर के साथ खेल सकते हैं। मिड पॉइंट बेसिकली कितना दूर तक वो आएगा, मिड पॉइंट कहाँ रहेगा आपका ऑब्जेक्ट का, और फेदर, फेदर इसके बाद मिड पॉइंट के बाद, ये मिड पॉइंट मेरा बस, हाँ। और फेदर कितना दूर तक वो फैलेगा, कितना स्लोली कितना हार्शली वो आएगा वो दिखाता है। साथ ही राउंडनेस, वो कितना राउंड है या एक रेक्टेंगुलर शेप में है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो हमने इसको भी एडजस्ट कर लिया। बाद बाकी आप देख सकते हैं हाइलाइट्स है, ग्रेन्स है, ये सब आप जरूरत पड़े करें ना करें, आप ट्राई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और हाँ, लगभग हमारा फ़ोटो अब तैयार ही है। तो एक माइनर सा चेंज है बट हो गया। अब हम फोटो को एक्सपोर्ट कर लेंगे, शेयर ऑप्शन पे जा करके, सेव ऑप्शन है उस पर क्लिक करके हम फोटो को सेव कर सकते हैं। आप माइनर चेंज बस कर सकते हैं, ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है और फ़ोटो अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पे ये फ़ोटो सेव हो चुकी है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है। और कंपैरिजन के लिए आपको मैं एक और फ़ोटो दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया है। तो आप फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए पिक्सेलो चैनल को, ये मेरा नया चैनल है। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाले समय में बहुत सारी बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स और बहुत सारी एडिटिंग से जुड़ी हुई चीज़ें, वीडियो एडिटिंग, फ़ोटो एडिटिंग, मोबाइल फ़ोटो एडिटिंग, मोबाइल फ़ोटोग्राफी, इस सब से जुड़ी हुई वीडियोस आपको मिलते रहेंगे हमेशा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करें, बहुत सारा कुछ आने वाला है बहुत जल्दी, बहुत कुछ हम डालेंगे, अपलोड करेंगे, और सपोर्ट करते रहे यूं ही। थैंक यू, प्लीज़।